राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंची, जहां उन्होंने रविंद्र भवन में आयोजित इंटरनेशनल साहित्य उत्सव उन्मेष का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि साहित्य ही सत्य का स्वभाव होता है। आज 140 करोड़ देशवासियों का मेरा परिवार है, सभी भाषाएं और बोलियां मेरी अपनी हैं। सुनिए। देवियों और सजनों, संगीत नाटक अकादमी एवं मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा उत्कर्ष नामक उत्सव के माध्यम से लोक एवं जनजातीय नृत्यों को आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए मैं आयोजकों को सराहना करती हूँ। उत्कर्ष का अर्थ उन्नति, जो भारत का जनजातीय समाज समन्वय हो जाएगा तो भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। आप निश्चित रूप से जानते होंगे, भारतवर्ष में अब तक 700 से ज्यादा कम्युनिटी के आदिवासी बसवास करते हैं, लेकिन उनका भाषा 700 से ज्यादा है। मुझे लगता है उसे डबल है, क्योंकि हर 50 किलोमीटर दूर से नया भाषा है। इसीलिए उसी भाषा को संजो के रखना हम सबका कर्तव्य है, लेखकों का कर्तव्य है, प्रत्येक मानवों का कर्तव्य है। क्योंकि अभी हम ऐसे युग में पदार्पण किए हैं, अमृत काल में पदार्पण किए हैं, आगे जाकर मुझे लगता है ये जनजातियों का भाषा, उनका संस्कृति परंपरा जो उज्जीवित हो के रहे, लोगों के सामने उसको और भी विकसित हो, इसके पूर्व उनको संरक्षण करना, संजो के रखना हम सबका दायित्व है। तो वहीं सुनिए अब सीएम शिवराज सिंह ने क्या कहा। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र, हजारों साल पुराना तो ज्ञात इतिहास है हमारा। दुनिया के विकसित देशों में जब सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे देश में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। ये वो धरती है जिसने हजारों साल पहले कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ये वो धरती है जिसने सारे विश्व को संदेश दिया अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे मन वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये वो धरती है जिसके गांव का बच्चा बच्चा इस मंत्र का उद्घोष करता है, प्राणियों में सद्भावना हो पर विश्व का कल्याण हो। ये वो धरती है जिसके ऋषियों ने सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् का मंत्र दिया। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लेकिन सब सुखी कैसे हो, केवल भोजन से सुखी नहीं हो सकते। रोटी कपड़ा मकान केवल यही आवश्यकताएं नहीं है। मनुष्य को संपूर्ण रूप से सुखी करना है तो शरीर के सुख के साथ मन का सुख भी चाहिए, बुद्धि का सुख भी चाहिए, आत्मा का सुख भी चाहिए। और मन बुद्धि और आत्मा का सुख अगर कोई देता है वो साहित्य संगीत और कला ही देती है। और आज वो कलाकार और साहित्यकार इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।